नारायण, तो ये जो हमारा जीवन है ना, इसकी तरफ दृष्टि डालने की है। यदि मन में संतोष नहीं होता है तो ये सब व्यर्थ है। तो बाहर रहता है अर्थ, मन में रहता है काम, भीतर रहता है धर्म। धर्म माने ब्रेक हो, वारक, धरति इति धर्मः, धारणात् धर्मः। जब हमारी इंद्रिय किसी बुरे मार्ग में जाने लगे, हम बुरा पैसा लेने लगे, हम बुरी चीज की इच्छा करने लगे, तो भीतर से ब्रेक लगाने वाला कोई होए कि नहीं, तुम्हारी मोटर अब गलत रास्ते जा रही है, गड्ढे में गिरेगी, एक्सीडेंट करेगी। जैसे मोटर में ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक नहीं होए तो मोटर गलत रास्ते पर जाती है, ऐसे जिसके जीवन में धर्म नहीं होता है वो गलत रास्ते पर चला जाता है। अपने जीवन को ठीक रास्ते पर चलाने के लिए धर्म भावना की आवश्यकता होती है। और मोक्ष जो है वो तो अपने आत्मा का ही स्वरूप है, वो न बाहर है, न मन में है, न बुद्धि में है। विज्ञानम यज्ञम तनुते तैत्तरीय उपनिषद में बताया कि विज्ञानमय कोष में माने बुद्धि में धर्म का निवास है, और आत्मा स्वयं मोक्ष स्वरूप है नारायण। और ये आत्मा ही भगवान है, इसके प्रति जो भक्ति है और इस भगवान के अपना जस अपना अपना करके तो कैसे बोलोगे भगवान का यश। भगवान का यश गाया जाता है नाम रख के भगवान को, कि तो जब भगवान के निर्मल जस का गान नारायण मनुष्य करता है तब उसके हृदय में संतोष आता है। और चाहे कविता कितनी भी बढ़िया हो महाराज, ओ कीर्तन करो, नाच लो, गा लो, जन रंजन मंजन खंजन बोल लो, कविता चाहे कितनी भी चित्र पद वाली होए, यदि भगवान का जस उसमें नहीं है तो वो पवित्र करने वाली नहीं है। और वो तो ऐसी जगह है जहाँ कव्वे जाते हैं महाराज, विद्वान नहीं जाते हैं। और नारायण वो बोलना तो बिल्कुल वाणी का दोष है जिसमें भगवान का चरित्र नहीं है, और जिसमें भगवान का सर्वात्मा भगवान का, भगवान माने जो सबकी आत्मा है, जो सबका अपना स्वरूप है, जो सर्व रूप में है, उसका नाम भगवान। जो कहीं है कहीं नहीं है वो भगवान नहीं, जो कभी है और कभी नहीं वो भगवान नहीं, जो कुछ है और कुछ नहीं है वो भगवान नहीं। ये जो अद्वितीय भगवत तत्व है महाराज, इसका जब इसकी जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे हृदय में जितना पाप ताप बैठा हुआ है वो सब का सब दूर हो जाता है। तद बाघ विसर्गो जनताघ विप्लवो नारायण,
भले श्लोक अच्छा न बना हो, उसमें कोई अशुद्धि हो, लेकिन भगवान के उसमें नाम हो तो उसको संत लोग पसंद करते हैं। संत माने सतपुरुष, जो सदवचन बोले, सत्कर्म करे और अपने हृदय में सद्भाव रखे, जिसके जीवन में सद्विचार होए, जो सत 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 जिसके जीवन में होए, उसका नाम होता है संत। कातंत्र व्याकरण में संत शब्द प्रातिपदिक है, इसका रूप चलता है संत संतौ संताः, और पाणिनीय व्याकरण में तो ये सन संतौ संत है, लेकिन कातंत्र व्याकरण में संत एक एक संज्ञा शब्द है, और तद्धित में तालव्य शकार से संत पद है, मत्वर्थीयता प्रत्यय होता है तो संत पद बनता है। तो संत वही है जिसके जीवन में शांति है, समवान है, संत वही है जिसके हृदय में सत्कर्म सद्भोग सद्भाव सद्विचार हैं, उसका नाम संत है। वही संत लोग उसी को पसंद करते हैं। अब किसी को महाराज मुक्ति तो मिल गई, नारायण बहुत कर्मों के बंधन से छूट गए, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है। भगवान की भक्ति जीवन का श्रृंगार है। यदि आपके जीवन में ज्ञान बहुत बड़ा होए लेकिन भगवान की भक्ति ना होए तो क्या होगा? वो जीवन सूखा होगा, कभी किसी पर गुस्सा आएगा, तो कभी किसी पर चिंता हो जाएगी, तो कभी रोने लगेंगे। जब ज्ञानी रोएगा और पूछेंगे, क्यों ज्ञानी जी आप रोते क्यों हैं, आप ज्ञानी होकर गुस्सा क्यों करते हैं, बोले क्या हुआ, हो गया तो हो गया, ये तो स्वप्न पुरुष का काम है, अंतःकरण का धर्म है। अब ज्ञानी जी रोते रहेंगे तो दूसरे के मन में तो ज्ञानी होने की कभी इच्छा ही नहीं होगी, हम ऐसा ज्ञानी हो करके क्या करेंगे। तो असल में तत्व का जो अनुभव है उसको तो कहते हैं ज्ञान, और इस व्यक्तित्व का जो श्रृंगार है, इस व्यक्तिगत जीवन में जो ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति है, वो अभिव्यक्ति भक्ति की शक्ति से होती है। बिना भक्ति की शक्ति के अपने जीवन में, इस व्यक्तित्व में ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इसलिए इस जीवन को परिपूर्ण रसमय मधुमय लास्यमय मजेदार बनाना है तो अपने जीवन में भक्ति आनी चाहिए, और जब ज्ञान की भी शोभा और श्रृंगार भक्ति के बिना नहीं है तो भले कोई निष्काम कर्म करे लेकिन वो रूखा सूखा भूख ही रह जाएगा। इसलिए नारद जी ने बताया कि व्यास जी आप भगवान के चरित्र का गान करो, इससे आपकी तो मुक्ति है ही है पहले से, दूसरों की भी मुक्ति हो जाएगी। और दूसरी बातों का नारायण यदि तुम वर्णन करोगे तो अलग अलग नाम और अलग अलग रूप, और ये अच्छा और ये बुरा, और ये राग करने लायक और ये द्वेष करने लायक, ये तुम्हारे दिल में भर जाएगा। सो तुमने धर्म के लिए जो कौरव पक्ष पौरव पक्ष अलग कर दिया महाभारत में, और धर्म पक्ष अलग कर दिया, और लोगों को भगवान का प्रेमी बनाने के लिए सब कुछ किया, भगवान का प्रेमी बनाने के लिए। महाभारत का परम तात्पर्य जो है वो भी भगवान के प्रेम में है, क्योंकि भगवान जिस पर अनुग्रह करते हैं, जिसकी कृपा जिस पर कृपा करते हैं, जिसको अपनाते हैं उसकी जीत होती है, और जो भगवान के विरुद्ध पक्ष होता है वो हार जाता है। तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये बात मध्वाचार्य ने महाभारत तात्पर्य निर्णय में, और सदानंद पंडित ने महाभारत तात्पर्य प्रकाश में बहुत स्पष्ट करके की है। और नारायण हमारे जो साहित्यिक लोग हैं, ध्वन्यालोक आदि के जो करता है पंडित धुरंधर लोग, वो कहते हैं कि सारे महाभारत का तात्पर्य शांत रस में है, उपद्रव करने से किसी को कुछ नहीं मिला। नारायण युद्ध का फल अंत में निष्फलता ही युद्ध का फल है, और इसलिए मनुष्य को शांति से रहना चाहिए। तो यद्यपि तुमने बड़ी अच्छी नीयत से महाभारत की रचना की व्यास जी, लेकिन उससे राग द्वेष की वृद्धि हुई और भगवान में भक्ति की वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारी बात मान करके लोग झगड़े में पड़ गए। सो अब तुम केवल भगवान की लीला का वर्णन करो। असल में
संसार में भगवान की लीला और कथा से बढ़ करके और कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया के लोग तो भटके हुए, भूले हुए, इधर उधर चले जा रहे हैं। अब मान लो एक आदमी से धर्म तो छूट जाए लेकिन भगवान की भक्ति बनी रहे, तो उसकी क्या हानि होगी, भगवान उसको बचा लेंगे। और नारायण भगवान को तो छोड़ दिया और धर्म का पालन किया तो उसको मिलेगा क्या? असल में आदमी को चाहिए क्या, आदमी को चाहिए क्या, उस बात के लिए कोशिश करे। तस्यैव हेतो हो प्रयते कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम ऊपर ऊपर यथा तल लभ्यते दुखवद अन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा। मनुष्य को जो बात अपने आप नहीं होती है उसके लिए कोशिश करना चाहिए। जन्म तो अपने आप ही हो जाता है, अब जन्म लेने के लिए कोशिश करने की क्या जरूरत है। हाँ, मृत्यु तो अपने आप ही हो जाती है, तो मरने की कोशिश करना तो बिल्कुल व्यर्थ है। तब क्या करना चाहिए कि जो अपने आप कहीं भी नहीं मिलता है वो जो उत्तम वस्तु है उसके लिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। कब बोले भाई फिर हमको संसार में सुख कैसे मिलेगा? और नारायण ये प्रश्न सभी के मन में उठ सकता है कि जब हम कोशिश नहीं करेंगे दुनिया के लिए, स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, धन के लिए, भोग के लिए, यदि हम कोशिश नहीं करेंगे तो मिलेगा कैसे? इसका जवाब देते हैं नारायण नारद जी कि तल लभ्यते दुखवत। कभी तुम दुख चाहते हो? कर नहीं, हम तो दुख नहीं चाहते हैं। अच्छा, दुख पाने के लिए कोशिश करते हो? कर नहीं करते हैं। अच्छा, तो दुख आता है तब परहेज करते हैं, उससे बचना चाहते हैं? कहाँ, बहुत बुद्धिमान हो तुम, लेकिन ये दुख आया कैसे? वो कौन है जिसने तुम्हारे न चाहने पर भी, कोशिश न करने पर भी, परहेज करने पर भी तुम्हारे जीवन में दुख भेज देता है? वो बैरंग दुख भेज देता है महाराज, हम न चाहें तो बम का गोला पार्सल में भर के भेज देता है। वो भेजने वाला कौन है? और जो तुम्हारे पाप का फल दुख भेजने में इतना सावधान है नारायण, वो क्या तुम्हें सुख भेजने में कोई प्रमाद करेगा? इसलिए जो तुम्हारे हिस्से का सुख है वो भी तुम्हारे जीवन में आवेगा। इसलिए भगवान से प्रेम करो। ये संपूर्ण विश्व भगवत रूप है, इसमें काम क्रोध लोभ के चक्कर में मत पड़ो। यही सब साधनों का फल है कि मनुष्य भगवान के गुणानुवाद का गान करे हो, ये फल है। कह क्या रहे हैं? अच्छा आओ हम ज्ञान प्राप्त करें, बहुत मुश्किल है बाबा। अच्छा ध्यान लगावें, का मन बस में हो तब ना, का पूजा करें, का फुर्सत कहाँ है, का तब, का जीव तो खाली है ना। जीव से भगवान के गुणानुवाद का वर्णन करो। आज कलयुग में, सत्य युग में ज्ञान होता होगा, त्रेता में ध्यान होता होगा, द्वापर में पूजा होती होगी, पर कलयुग ये तो प्रोपेगेंडा का युग है ना, सारा व्याख्यानबाजी पर आ गया हो। तो सारा धर्म कर्म जब जीभ में आ गया दुनिया में, तो भगवान को भी जीभ पर ले आओ। जहाँ तुम बैठे हुए हो वहाँ से भगवान का नाम लेना शुरू करो। जिस गड्ढे में आदमी गिरता है उसी का सहारा ले करके निकल सकता है आदमी। जीभ के चक्कर में आदमी फंस गया है तो जीभ के द्वारा ही उसको ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए नारायण हमारे जीभ पर भगवान का नाम हो, हम आपस में भगवान की चर्चा करें। आज मौसम बहुत खराब है, अच्छा आज मौसम बहुत अच्छा है, और लो हाँ बातचीत शुरू की तो मौसम से शुरू की। ऐसे क्यों नहीं शुरू करते? देखो भगवान की लीला, क्या लीला है कि आज सवेरे से वर्षा हो रही है, क्या भगवान की लीला है कि आज एक बूंद नहीं पड़ी। कहाँ नारायण चर्चा करने गए तो कहाँ गए। सो नारायण जीभ से भगवान को पकड़ो। जब जीभ से भगवान पकड़े जाते हैं नारायण, तब भगवान पकड़ में आ जाते हैं। इसी के लिए मंत्र होता है, इसी के लिए नाम होता है। आध्यात्मिक शुद्धि ज्ञान वैराग्य भक्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, और यदि
अपनी सदगति प्राप्त करनी हो तो भागवत का पाठ कर लो, और नारायण सबको सबको यदि सबका उद्धार करना हो तो श्रीमद् भागवत का श्रवण कराओ। सो बोलते हैं कि देखो सत्संग से हमको क्या मिला। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की बात सुनाई। अहम पुरा, पुरा माने पुरा कल्पे, अतीत भवे और पहले के जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, और वो दासी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। अब महात्मा लोग जो हैं वो चातुर्मास के दिनों में ब्राह्मणों के गांव में आते और वहीं निवास करते। सो नारायण, ब्राह्मणों ने हमारी माता को संतों की सेवा में लगा दिया। अब जब माँ हमारी संतों की सेवा करने के लिए जाने लगी तो मैं छोटा सा बच्चा, मैं भी उनकी सेवा में जाने लगा। मैं कैसा बच्चा था, बोलते हैं कि हमारे अंदर कोई चंचलता नहीं थी और मैं उधम नहीं करता था, मैं खिलौनों से खेलता तक नहीं था, मैं तो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता, संतों के पीछे पीछे चलता। संत लोग तो कृपालु होते हैं, समदर्शी, सबको बराबर देखते हैं, मेरे ऊपर उनकी कृपा हो गई। मैं बोलता बहुत कम था, और जो वो अपना प्रसाद छोड़ देते खाने पीने के बाद, उच्छिष्ट उनकी आज्ञा लेकर, उनकी उनके अनुमोदन से, अनुमति से मैं उसको ग्रहण करता एक बार। इससे मेरे सारे पाप जो हैं वो धुल गए, और फिर तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे ये लोग रहते हैं, जिस धर्म का पालन ये लोग करते हैं उसी का पालन मैं भी करूं। सो अब ये होता ये महाराज कि वो लोग आपस में बड़ी मीठी मीठी कथा भगवान की करते, और उससे हमारा मन खिंच जाता। कृष्ण कथा का अर्थ ही होता है कृष्णा कथा, कृष्ण कथा कर्षन्ति इति कृष्णा, नारायण जो अपनी ओर खींच ले उनका नाम होता है कृष्ण। कृष्णन्ति नारायण हमारे हृदय में एक हल चला के जोत देती हैं, उसको उर्वर बना देते हैं, और नारायण बड़े मीठे स्वर में वे लोग आपस में उसकी चर्चा करते, हमारा मन खींच गया, और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ ध्यान लगाकर एक एक शब्द सुनता। उससे भगवान में मेरी रुचि हो गई। अब जब मेरी रुचि हो गई तो मुझे बार बार कृष्ण की याद रहने लगी। अब तो हमको यही मालूम पड़े उस समय सुन सुना के कि जैसे एक परमात्मा है और उसमें ये है और नहीं, जो कुछ मालूम पड़ता है और नहीं मालूम पड़ता है सब उसी में है। ये नहीं कि हमारा ज्ञान निवृत्त हो गया हो, क्योंकि जो है वो भी उसी में और जो नहीं है वो भी उसी में। तो है और नहीं का ठीक ठीक हमको ज्ञान तो नहीं था, लेकिन मैंने ये मान लिया कि सब परमात्मा के स्वरूप में है। अब 4 महीना वो लोग रहे और मैं करता रहा विनय से उनकी सेवा। जब जाने लगे तब हमारा सील स्वभाव देख करके उन्होंने हमको उपदेश कर दिया, और उपदेश कर दिया नारायण कि जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। असल में उपदेश का सार क्या है, जदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। नारायण हम जो भी काम करें उसमें ये नहीं है कि हम हिमालय में रहें तब भगवान की सेवा पूजा होगी, वहाँ भी स्त्री मिलती हैं, वहाँ भी धन मिलता है, वहाँ भी पेड़ों से ममता हो जाती है, वहाँ भी मठ बन जाते हैं। सारे उपद्रव जो नगर में होते हैं वो नग में भी, वो पहाड़ में भी होते हैं। बात यह है कि अपना हृदय चाहिए ठीक ठाक, और वो ठीक ठाक क्या चाहिए कि जो भी हम कर्म करें वो कर्म भगवान के लिए करें, उस अपने दोस्त के लिए, अपने मित्र के लिए, जिसको हम पहचानते तो नहीं हैं, हम नहीं देखते हैं पर वो हमको देखता है, हम उसको नहीं पहचानते हैं पर वो हमको पहचानता है, हम उसको अपने हृदय में नहीं रखते हैं पर वो हमारे हृदय में रहता है और अपने हमको अपनी गोद में रखता है। हम उसी की सांस में सांस लेते हैं, ये हवा उसकी सांस है। हम उसी के पानी में, जल में पानी पीते हैं, हम उसकी गोद में धरती में विचरते हैं। नारायण हम उसी की आँख की रोशनी में देखते हैं। हम हो गए हैं कृतघ्न, हम हो गए हैं एहसान फरोश। वो देखो
हमें धरती पर रहने का हाउस टैक्स की तरह कोई बिल नहीं भेजता, पानी के लिए नल के बिल की तरह कोई बिल नहीं भेजता, वो रोशनी के लिए कोई बिजली के बल्ब की तरह जैसे नारायण बिल आता है, ऐसे सूर्य चंद्रमा के लिए कोई बिल नहीं भेजता, पंखे का बिल आता है लेकिन सांस लेने का हवा का बिल कभी नहीं आता है, और रेडियो में आवाज़ सुनते हैं तो उसका बिल आता है, और हम एक दूसरे की बात सुनते हैं तो कोई बिल नहीं आता है। ऐसा परमेश्वर जो दिन रात बिना कुछ लिए बिना कुछ दिए निरंतर हमारा भला कर रहा है, उसको हम भूल गए हैं। तो हम जो काम करें वो उसको नज़र में रख के करें, उसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और पहले संकल्प कर लें कि ये काम हम भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं। एक अच्छा करते समय भी ख्याल करते जाएं हम उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं, और जब हो जाए तब श्री कृष्णार्पण मस्तु कर दें, ये काम मैंने भगवान को समर्पित कर दिया। इससे बढ़िया भक्ति और कुछ होती नहीं है। ये होम्योपैथी के सिद्धांत वाले बोलते हैं कि जो जिस कारण से रोग पैदा होता है उसी कारण को यदि हम शुद्ध करके प्रयोग करें तो वो रोग अच्छा हो जाता है। जिस वजह से जो रोग होता है उस वजह से ही वो रोग दूर भी हो जाता है, यदि ठीक कायदे से उसका प्रयोग किया जाए। सो तदेव यामयम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम। ये कर्म के झगड़े में पड़ने से ही हमने गलत गलत काम किया और दुनिया के दुख में फंस गए। यदि यही कर्म हम ठीक ढंग से करें भगवान के प्रति अर्पित करके तो हम कर्मों के बंधन से छूट सकते हैं। सो नारायण जहाँ भगवान के प्रति अर्पित हुए ये कर्म गए, जो जहाँ नारायण भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जो कर्म करते हैं उस कर्म से ज्ञान हो जाता है, उससे भक्ति भगवान की प्राप्त हो जाती है। क्योंकि भगवान जब देखते हैं कि ये मेरी प्रसन्नता के लिए काम कर रहा है तो नारायण प्रसन्न हो करके वे हमको सुख देते हैं, शांति देते हैं, ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं, वैराग्य करते हैं। भगवान के लिए कर्म करने से ही मनुष्य का कल्याण होता है। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस भगवान का इस प्रकार भगवान का भजन करना चाहिए। सो भगवान ने तो मुझे सब कुछ दे दिया, मेरे पास क्या था, लेकिन भगवान ने तो अपनी ईश्वरता मुझे दे दी। व्यास जी यदि तुम अपना और लोगों का भला चाहते हो तो जहाँ ज्ञान की निष्ठा है, अंतिम गति है जिससे बड़ा और कोई ज्ञान नहीं है, वो लोगों को बताओ, इसी से लोगों का दुख दूर होगा और इसी से सुख शांति मिलेगी। अब जब ये बात नारद जी ने कही तब व्यास जी ने कहा कि जब वो ज्ञानी महात्मा संत लोग जब आपको ज्ञान दे के चले गए नारद जी, तब आपने क्या किया और किस ढंग से आपने अपना जीवन व्यतीत किया। और दूसरे कल्प की ये जो स्मृति है वो आपको बनी हुई है, इसका क्या कारण है। नारायण नारद जी ने बताया कि जब महात्मा लोग चले गए तब मेरी उम्र बहुत छोटी थी और मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। अब वो तो सारा स्नेह बंधन मेरे साथ ही जोड़ के रहती थी और वो पराधीन थी बेचारी, वो तो बस मेरे पालन पोषण के लिए सब कुछ करती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि वो गाय दुहाने के लिए गई घर से, सो वहाँ पाँव के नीचे आ गया सांप और वो मर गई। मर गई तो मुझे तो संतों का उपदेश मिला हुआ था, वैसे तो माँ मरे इसका दुख तो सबका होता है, परंतु मुझे ये दिखा कि इसमें भी कोई भगवान की कृपा है, नारायण इसमें भी हमारा मंगल करना चाहते हैं। सो महाराज मैं तो वहाँ घर से निकल पड़ा जंगल में अकेले ही। जो गर्भ में हमें खाने पीने के लिए भोजन पहुँचा देता है वो बच्चे की नली माँ के पेट के साथ कौन जोड़ता है, आपको मालूम है पेट में कौन रहता है,
जो माँ के पेट की नली बच्चे के पेट में जोड़ दे और माँ का जो खाना और पीना है वो पुष्टि तुष्टि बच्चे को मिले, विद्या बुद्धि मिले, का ये व्यवस्था कौन करता है? वही महाराज जंगल में भी करता है। अब मैं तो भूखा प्यासा जंगल में गया अकेला, और वहाँ जा करके मैंने देखा बड़ा भयंकर जंगल था, थक गया, भूख प्यास लग गई, सो एक नदी मिली। नदी में, हिमालय में कभी जाएं तो नदी का पानी वैसे नहीं पीना चाहिए हो, और ये भी नहीं कि चाहे नदी में जहाँ स्नान करने के लिए घुस गए कि हम बहुत तैरना जानते हैं, वो तो महाराज ऐसा पत्थर पर पटकेगी कि वहीं के वहीं ढेर हो जाओगे, और पानी में पत्थर के कण रहते हैं। इसलिए नदी में जहाँ जल स्थिर होए, नदी में जहाँ सरोवर बन गया हो वहाँ स्नान करना चाहिए और वहाँ जल पीना चाहिए। अब वहाँ जा कर के मैंने ऐसा किया और मेरा जो कष्ट ये पीड़ा थी वो दूर हुई, और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। ये पीपल का पेड़ माने जो जगत है, ये पीपल का पेड़ है, इसके मूल में जो परमात्मा है वहाँ बैठ गया, और जैसा महात्माओं से सुना था वैसा चिंतन करने लगा। और हमारा भाव, असल में भगवान, जो लोग सचमुच भगवान को देखकर ध्यान करते हैं उनके ऊपर उतने प्रसन्न नहीं होते हैं। क्यों? क्यों? उन्होंने तो देख लिया कि भगवान ऐसा है तब मानते हैं, जानते हैं, ध्यान करते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है और अपने मन में भगवान की कल्पना करता है, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, उसके ऊपर बहुत भगवान प्रसन्न होते हैं कि देखो बिना जाने हमको, बिना देखे, और ये हमसे इतना प्रेम करता है, तो उसके ऊपर तो बहुत प्रसन्न होते हैं। अब भगवान से मिलने की उत्कंठा हुई और आँखों में आंसू आए और हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो गए, शरीर में रोमांच हो गया, मैं आनंद के समुद्र में डूबने उतराने लगा, न मैं मालूम पड़े न दुनिया मालूम पड़े, और भगवान का वो रूप महाराज सारा शोक मिट गया। सो एकाएक क्या हुआ कि उस रूप का दर्शन बंद हो गया। अब मैंने बहुत कोशिश की कि फिर से दिखे पर नहीं दिखा। आकाशवाणी हुई उस समय कि देखो नारद, तुमको इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं हो सकता, क्यों कि अभी तुम्हारी जो कामना है वो परिपक्व नहीं हुई है। एक बार तुमको दर्शन इसलिए दिया कि तुम्हारे मन में मेरी प्राप्ति की लालसा हो जाए। असल में भगवत प्राप्ति की कामना जब हृदय में आ जाती है तो धीरे धीरे सारे के सारे दोष मिट जाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि मेरे साथ जुड़ गई, अब वो कभी नष्ट नहीं होगी, स्मृति बनी रहेगी। आकाशवाणी तो चुप हो गई, मैंने भगवान को नमस्कार किया, अब तो लज्जा शर्म सब छूट गई और बस भगवान का नाम लेने लगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। देखो भाई, मैं अपनी बात एक कहता हूँ, मुझे गाना नहीं आता है, न नाचना आता है, न कीर्तन करना आता है। हमारे बाप दादा ने तो ऐसे ही बताया था हमको कि हरे राम भी बोलो तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, जैसे अनुष्टुप छंद बोला जाता है वैसे ये अनुष्टुप छंद है, जैसे गीता का पाठ करते हो वैसे करो, गा के मत बोलो। तो हमको गाना वाना तो कभी आया नहीं, कीर्तन करना आया नहीं, नाचना आया नहीं, परंतु भगवान का नाम लेने में कोई शर्म नहीं है। भगवान अनंत हैं, उनके नाम अनंत हैं, नारायण उनकी लीला कल्याणकारिणी है। भद्राणी भवद रमयति इति भद्रम भद्रम च भद्रम च भद्रम च भद्राणी, नारायण भगवान का नाम मंगलमय है और उनकी लीला मंगलमय है। मैं उसका उच्चारण करता हूँ, धरती में विचरण करता हूँ, और अंत में जब मेरा वो शरीर छूटा तब मैं ब्रह्मा जी जब नारायण के भीतर लीन होना चाहते थे उस समय सारे संसार को उन्होंने समेटा, मैं भी सिमट गया और मैं भी ब्रह्मा जी के साथ नारायण में गया। और जब फिर नारायण उनकी सृष्टि करने की इच्छा हुई तब मैं उनमें से निकल आया। अब तो देखो भगवान की ऐसी कृपा है, उन्होंने हमको एक वीणा दे रखी है,
और ये भगवान की दी हुई वीणा, इसमें स्वर ब्रह्म लगा हुआ है, इसमें भगवान की कथा का गान करता हूँ और विचरण करता हूँ। जब मैं भगवान की कथा गाने लगता हूँ नारायण, जब मैं बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बोलने लगता हूँ, तो साक्षात भगवान आ करके हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, जैसे बच्चे को किसी ने बुलाया हो और आ गया हो। एतद् ही आतुर चित्तानाम मात्रा स्पर्शे छयामहु, दुनिया व्याकुल हो गई है, हमको ये चाहिए ये चाहिए। वहाँ संगीत सभा में जाओ, रात भर जागो, 4 बजे पूरा होता है महाराज। ओहो, हमको ये चाहिए, धन चाहिए, जुआ खेलने के लिए जाओ, रात भर जगो, मरो, खेल के आओ। नारायण, जब कोई चिंता हो तो जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, दवा खिलाते हैं, वैसे शराब पी लो। ये गम गलत करने का तरीका नहीं है। हो यदि आप अपने मनोबल से, अपने बुद्धि बल से, अपने विचार बल से अपने दुख को दूर कर सकते हो, तो जब कहीं जहाँ कहीं रहोगे वहाँ अपने दुख को दूर कर सकते हो। और यदि आप बेहोश होकर अपना दुख दूर करते हो, तो उस दुख दूर करने में आपकी विशेषता ही ने क्या हुई, तो दुनिया में जितना भी दुख है उसके लिए एक ही उपाय है कि हमारा प्रेम भगवान से हो जाए, भगवान का वर्णन करें। भगवान की सेवा से चित्त में जितनी शांति होती है उतनी दूसरी प्रकार से नहीं होती है। नारद जी ने व्यास जी को बताया कि ये मैंने अपने जन्म और कर्म का रहस्य बता दिया। अब नारद जी ने व्यास जी से ऐसे बातचीत करके और फिर तो उन्होंने उन वीणा पर स्वर छेड़ा, और जहाँ उनको उनकी मर्जी थी, नारद जी कहीं जानबूझ के नहीं जाते थे, यादृच्छिक, चाहे जिधर बाएं चले, दाहिने चले, आमने चले, सामने चले। धन्य है ये देवर्षि नारद, अहो देवर्षिर धन्योयम् यत् कीर्तिम् सारंगधन्वनः गायन् माद्यन् इदं तंत्रिया रमयत्यातुरं जगत्। ये देवर्षि नारद देवताओं के पुरोहित हैं, धन्य हैं, धन्य हैं कि भगवान की कीर्ति का गान करते हैं, स्वयं मस्त रहते हैं और सारी दुनिया को मस्त करते हैं, और संपूर्ण जगत को, ये जो दुनिया दुखियारी जो दुनिया है, राजा दुखी, प्रजा दुखी, साधुन के दुख दूना, कहे कबीर सुना भाई साधो, एक और घर नहीं सुना। ये दुनिया का दुख धन की वृद्धि से नहीं जाएगा और बढ़ेगा, ये सामरिक शक्ति आणविक शक्ति की वृद्धि से ये दुख दूर होने वाला नहीं है, ये बहुत भोग करने से दूर होने वाला नहीं है, बहुत जिंदा रहने से, लंबी आयु व्यतीत करने से ये दुख दूर होने वाला नहीं है। हमने पढ़ा था एक जगह, एक सज्जन थे, उन्होंने एक देवता को खुश किया, देवता ने कहा कि वरदान मांगो, वो बोले हम कभी ना मरें यही चाहते हैं। देवता ने कहा भाई हम तो खुद ही मरने वाले हैं, तुमको न मरने का वरदान कहाँ से देंगे, इसलिए लो तुम्हें हम 400 बरस की उम्र दे देते हैं। अब उन्हें महाराज 400 बरस की उम्र मिल गई, बड़े खुश हो के घर में लौटे, और 400 बरस की उनकी उम्र, तो माँ बाप तो पहले मर ही गए, मरना ही था वो तो, हाँ दादा दादी मर गए, माँ बाप मर गए, अब महाराज उनके जो भाई थे सो भी मर गए, अब उनकी पत्नी मर गई, अब उनके बेटा बेटी मरने लगे, अब बड़ी उम्र लेके क्या करोगे महाराज, रोज रोना पड़े, रोज रोना पड़े। बड़ी उम्र मिलने से कहीं सुख मिलता है नारायण, कहीं बहुत धन होने से कहीं शांति से बैठ सकते हो नारायण, बहुत कामना पूर्ति से क्या तुम्हारी कामना कहीं शांत हो सकती है। भगवान के भजन के बिना ये दुख दूर नहीं हो सकता। अब व्यास जी जो हैं वो तो ब्रह्म नदी सरस्वती उसके पश्चिम तट पर, पश्चिम तट पर माने प्रत्येक आत्मा के रूप में हो, जब हम पूरब मुंह से खड़े होते हैं तो भीतर 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 जहाँ हम होते हैं वही सबसे पश्चिम होता है। उस प्रत्यगात्मा में सरस्वती नदी जहाँ बहती है, बुद्धि की धारा, ज्ञान की धारा बहती है, उसके पश्चिम तट पर व्यास जी बैठ गए। सम्याप प्रासः नारायण, शमी लोग जो हैं, शांत पुरुष जो हैं, वो वहाँ का रसास्वादन करते हैं। सम्याप प्रास इति प्रोक्तः, आप प्रासः आसनम, वहाँ समी लोग बैठते हैं नारायण। अब वो बैठ करके वहाँ और
आचमन करके अपने मन को एकाग्र किया। जब भक्ति योग से उन्होंने अपना मन एकाग्र किया तो जैसे सरोवर होए और उसमें गंदलापन होए और चंचल होए और अपना मुंह उसमें देखना चाहो तो नहीं देख सकते, ऐसे ही अपने हृदय में जब गंदगी होती है और चंचलता होती है तब अपना मुंह नहीं दिखता। जब अपने हृदय के हृदय को धर्म पुंडरीकम वेश्म, तुम्हारा हृदय एक सरोवर है और उसमें एक कमल खिला हुआ है, उस कमल के रूप परमात्मा धार विद्या, छांदोग्य उपनिषद में धार विद्या है, ब्रह्मपुर उसका नाम बताया है। अब वहां चलो महाराज, मन को रखो तो देखो वहां अपना आत्मा है और उसी के आश्रित माया है और माया से मोहित हो करके ये जीव यद्यपि सत्व रज तम तीनों गुणों से परे है, माने न तो ये शरीर है, तम से परे है माने देह नहीं है, और रज से परे है माने ये कर्म कांड और भोग कांड जो है कैसे भी परे है, और नारायण सत्व से परे है माने मन में जो वृत्तियां उठती हैं उनसे भी परे है। लेकिन ये मान बैठता है कि मैं शरीर हूँ, ये मान बैठता है मैं बड़ा भारी करता हूँ, ये मान बैठता है कि मैं बड़ा भारी विचारवान हूँ, समाधिमान हूँ, ये मान बैठता है महाराज। सो यद्यपि ये त्रिगुण से परे है लेकिन अपने को त्रिगुणात्मक मान बैठता है, और फिर जो देह में जन्म मरण है वो उसको, जो कर्ता में पाप पुण्य है सो उसको, जो मन में चंचलता है सो उसको, सोना जागना है सो उसको, इस प्रकार ये अनर्थ में फंस गया है। ये अनर्थम अर्थ संकासम, ये अनर्थ ही जो है ये अर्थ मालूम पड़ता, हम यही चाहते हैं, हमको शरीर चाहिए, हमको कर्तापन चाहिए, है नारायण, हमको भोग चाहिए, हमको दुनिया का ज्ञान चाहिए, ये जो अनर्थ है ये शांत होता है भगवान की भक्ति से। सो लोग तो इसको जानते नहीं हैं, इसलिए ये बताने के लिए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। इस श्रीमद् भागवत के श्रवण से क्या होता है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। इस श्रीमद् भागवत को सुनो, सुनते समय ही क्या होगा, ये सुनना जो है ये भगवान की भक्ति है, श्रवण भगवान की पहली भक्ति है नारायण। और जब ये श्रवण होता है, भक्ति हृदय में आती है, तो तीन बात अपने जीवन से चली जाती है, शोक मोह भयापहा। पिछली बातों के लिए गल शोक होता है, हमारे पास इतना धन था, हाय हाय आज नहीं रहा, कहाँ हाय हमने इतने दुख भोगे, पिछली बातें आ करके दिल को दबा देती हैं, शोकग्रस्त कर देती हैं। भगवान की कथा सुनोगे तो वो शोक मिट जाएगा, आगे के लिए आपके मन में भय होता है, पता नहीं आगे क्या हो जाएगा, जब भगवान आपके मन में आके बैठेंगे तो भय मिट जाएगा आपका। और इस समय मोह है, हमारे साथ ये भी चले, ये भी चले, ये भी चले, अरे चले चलावेगा तो कुछ है नहीं, सब ज्यों का त्यों छोड़ के जाना पड़ेगा, ये मोह ही है अपने हृदय में। तो जब भगवान की भक्ति आवेगी तब ये मोह छूट जाएगा, आप परमानंद में मग्न हो जाएंगे। इसलिए आओ श्रीमद् भागवत का श्रवण करो। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुभ्यो नमः।
श्री सरस्वती नमः। ओम नमः श्री परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ओम। प्रातः काल आप सुन रहे थे श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को बताया कि व्यास जी से श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की शिक्षा प्राप्त की और राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित की महिमा भी सुनाई, सुखदेव जी की महिमा भी सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि सुखदेव जी एक निवृत्ति परायण महापुरुष थे, लोगों से मिलना जुलना बात करना उन्हें पसंद नहीं था, एकांत में जंगल में रहते थे, गांव में दूध पीने के लिए थोड़ी देर के लिए जाया करते थे, वहां भी किसी से बोलते नहीं थे। उन्होंने इतनी बड़ी पुस्तक श्रीमद् भागवत की शिक्षा प्राप्त की और फिर राजा परीक्षित को सुनाया। ये दोनों दो सिरे हैं, एक ओर तो सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट राजा परीक्षित और दूसरी ओर जिसके लंगोटी भी नहीं, लंगोटी की तो बात ही क्या, अद्वैत ब्रह्म तत्व जिसका स्वरूप दूसरा जिसकी दृष्टि में था ही नहीं। उसने एक महाराजा को भागवत कैसे सुनाई, इस पर श्री सूत जी महाराज ने बताया कि असल में सुनाने वाला अपने को नहीं देखता, सुनने वाले को भी नहीं देखता। सुनाने वाले की नजर में तो भगवान रहते हैं और भगवान में इतने गुण हैं कि जो उनको जान लेता है वो उनको गाए बिना रह ही नहीं सकता। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूत गुणो हरिः। भगवान सबके दुख को मिटाते हैं, उनको हरि कहते हैं, हरण करें, पाप को हर लेते हैं, पाप को मिटा देते हैं, वासना को मिटा देते हैं, अहंकार को मिटा देते हैं और अज्ञान को मिटा देते हैं जो अहंकार के मूल में, इसीलिए हरि को हरि कहते हैं। तो उनका गुण क्या है, तो उनका गुण यही है कि कोई उनका नाम ले, उनका स्मरण करे, उनके बारे में विचार करे, उनसे प्रेम करे तो वो संसार के सब दुखों से छुड़ा देते हैं। उन्होंने ही सृष्टि बनाई, इसकी स्थिति की पालन किया और अंत में वही इसका संहार करते हैं। और ऐसे गुण हैं महाराज उनमें कि चोर बन के भी लोगों का प्रेम अपनी ओर खींचते हैं, जैसे गोपियों के घर में माखन चोर बने।
उनके कपड़े चुरा के भी उनका प्रेम प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा रस्सी में बंध के भी उनका प्रेम प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि जो कुबजा जैसी स्त्री हैं उनकी ओर देखती भी नहीं है, कुबड़ी हैं और जात की भी छोटी हैं और काम भी कंस की सेवा करना है, ले उनका भी वो अपनी ओर से छेड़छाड़ के उद्धार करते हैं। तो ऐसे गुण हैं भगवान में कि बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं वे भी इन गुणों को सुन करके द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं और उनकी आँखों से आंसू की धारा गिरने लगती है। और वे आत्मा राम तो रहते ही हैं अपने अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप में, तो उनका रमण होता ही रहता है, वो मननशील भी रहते हैं, उनके सिर पर कोई पोथी का भार भी नहीं आता, निर्ग्रंथा अपी, चोटी का भी बंधन नहीं है, नीबी का भी कमर में लंगोटी का बंधन नहीं है, जनेऊ का बंधन नहीं है, काम क्रोध लोभ का बंधन नहीं है, हृदय का कोई बंधन नहीं है, अविद्या का बंधन नहीं है। फिर भी श्री कृष्ण के गुणों में उनकी ऐसी प्रीति हो जाती है, किसी कारण से नहीं कि हम प्रेम करेंगे तो हमको ये मिलेगा, अथवा किसी तर्कवाद से नहीं कि क्यों प्रेम करना चाहिए, जहाँ भगवान से प्रेम करने में क्यों आ गया और क्या मिलेगा ये सोचने लगे, वहाँ तो जिस चीज को पाने के लिए प्रेम कर रहे हैं उससे प्रेम है, भगवान से तो प्रेम है नहीं। और जहाँ तर्क वितर्क से बुद्धि हार गई और भगवान से प्रेम करने लगते हैं, वहाँ तो नासमझी से प्रेम करते हैं। असल में भगवान में गुण ही ऐसे हैं कि वो लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो बड़े बड़े महात्मा लोग भी भगवान से प्रेम करते हैं। इसी से श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के गुणों पर मुग्ध होकर मोहित होकर के वे श्रीमद् भागवत का श्रवण भी करते हैं और गान भी करते हैं। वहाँ क्यों की कोई बात नहीं है, नारायण और किस लिए का इसकी भी बात नहीं है, माने गुण गान करने में पहले से कोई वजह नहीं है और बाद में कुछ पाना नहीं है। इस ढंग से अपने सहज स्वभाव से वो भगवान के गुणानुवाद का गान करते हैं। इसके बाद सूत जी महाराज ने कहा कि अब देखो हम ज्यादा देर नहीं करना चाहते, आओ श्रीमद् भागवत का प्रारंभ करें। तो भागवत में के पहले स्कंध में तीन तरह के श्रोता और तीन तरह के वक्ताओं का वर्णन है। इसमें एक आदमी यज्ञ कर रहा है, जैसे अपने घर में कोई यज्ञ है उसमें कहो भाई भागवत सुना दो, तो एक भागवत वहाँ गौण हो गया, मुख्य तो यज्ञ ही रहेगा, भागवत एक मामूली चीज के रूप में रहा और असली तो यज्ञ ही रहा, तो उसमें भागवत छोटा हो जाता है। जैसे आप चंदा करने के लिए भागवत करते हैं तो उसमें आपका मुख्य जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो चंदा है, या मकान बनाना है, अस्पताल बनाना है, स्कूल बनाना है, उससे तो आपका प्रेम है, और भागवत को उसके लिए एक उपाय के रूप में, एक तरकीब के रूप में श्रीमद् भागवत सुनते हैं, तो वहाँ तो भागवत मुख्य रहा नहीं। अब ये सौनकादि जो ऋषि हैं वो तो कर रहे थे यज्ञ और सूत से सुनने लगे बीच बीच में भागवत, इसको पारिप्लव कर्म कहते हैं, जब यज्ञ से छुट्टी मिले तब भागवत सुन लिया, तो ये तो भागवत कोई बढ़िया भागवत हुई नहीं। प्रेम तो धन से है और सुनते हैं भागवत, तो भगवान से प्रेम नहीं है न तो भागवत से प्रेम है, वहां तो धन से प्रेम हो गया ना, वहां तो कीमती धन हो गया। तो जो लोग दूसरे काम के लिए भागवत सुनते हैं उनका भागवत तो गौण होता है। तो सूत जी जो हैं वो ऐसे ही वक्ता हैं और सौनकादि ऋषि ऐसे श्रोता, लेकिन इस तरह से सुनने पर भी बाद में भगवान से प्रेम हो जाता है, जैसा कि सौनकादि ऋषियों का हुआ। और दूसरे श्रोता हैं व्यास जी,
और वक्ता हैं नारद जी, वहाँ व्यास जी के मन में अपने कल्याण का अपने मंगल का कोई चिंतन नहीं है, क्योंकि वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही हैं, और नारद जी को भी अपने कल्याण की कोई फिक्र नहीं है, तब वो तो लोक कल्याण के लिए लोगों की भलाई के लिए भागवत का उपयोग करते हैं, तो वो भी एक समाज सेवा के रूप में रजोगुणी कार्य ही कहा जाएगा, क्योंकि उसमें चिंता दूसरों की रहती है। और तीसरे वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज, निर्गुण अवधूत, उनसे न कुछ लेना न कुछ देना, कुछ होए कि न होए वो तो प्रेम से भगवान का गुणानुवाद गाते हैं। और राजा परीक्षित का अब तो उनको दिखता है कि 7 दिन में शरीर छूटने वाला है, उनको न कुछ लेना है न देना है, का वो प्रेम से भगवान की लीला सुनते हैं। तो सबसे बढ़िया श्रोता वक्ता तो सुखदेव और परीक्षित हैं, निर्गुण वक्ता, और गुणवान वक्ता जो हैं वो सूत और नारद हैं, और गुणवान श्रोता सौनकादि ऋषि और व्यास जी हैं। सूत जी ने कहा कि अब आगे की कथा सुनो। आगे की कथा ये है कि ये उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध प्रायः पूरा हो गया था, और भीमसेन ने गदा मार के दुर्योधन की जान तोड़ दी थी, परंतु वो जिंदा था। उस समय अश्वत्थामा ने क्या किया कि जा करके द्रौपदी के जो 5 बेटे, अभी जवानी उनकी आई नहीं थी, मूछें उभर रही थी और रात को सोए हुए थे, वो युद्ध में, नारायण युद्ध में नहीं सो रहे थे, वहाँ जाकर अश्वत्थामा ने उनके सिर काट लिए, और सिर काट लिए और ले गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने देखा तो वो तो हाय हाय करने लगा दुर्योधन कि हाय रे, तूने तो हमारे वंश का ही नाश कर दिया, क्योंकि यदि ये 5ों रहते तो कौरव पांडव वंश का नाम तो रहता ना, लेकिन तूने इनका भी नाश कर दिया। अश्वत्थामा से भी वो बहुत दुखी हो गया। असल में मार धाड़ से किसी को न खुशी होती है और न किसी को सुख शांति मिलती है। अब महाराज जब द्रौपदी को मालूम पड़ा कि हमारे बेटे मारे गए, तो देखो प्रेम तो उसका भगवान से, जिसका भगवान से प्रेम हो जाता है उसका फिर दूसरे से प्रेम नहीं होता है, परंतु वो दुखी हुई, बहुत दुखी हुई। तो किस लिए दुखी हुई कि हमारे जो बेटे थे वो भगवान के भक्त होने से पहले ही मारे गए। अच्छा, इसलिए भी दुखी हुई कि यदि युद्ध में मारे जाते तो मरने के बाद उनको मुक्ति मिलती, लेकिन सोते समय मारे गए तो उनकी मुक्ति भी नहीं होगी। बहुत दुखी हुई। अब उसी समय अर्जुन आए, उन्होंने उसको समझाया कि मैं जा करके अभी अश्वत्थामा को मार के ले आता हूँ, और तुम उसके ऊपर अपना पांव रख के स्नान करना। ऐसे समझा के महाराज श्री कृष्ण भगवान को उसने अपना सारथी बनाया और अश्वत्थामा का उसने पीछा किया, और पीछा करते करते जब महाराज युद्ध का समय आया तो अश्वत्थामा ने देखा कि मैं तो हार जाऊंगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। दुनिया में ये ब्रह्मास्त्र ऐसी चीज है कि जिसके सामने कोई दूसरी चीज टिकती नहीं है। ब्रह्म ज्ञान जो है वो द्वैत भ्रम को सर्वथा निवृत्त कर देता है। तो जैसे भ्रम की निवृत्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान सर्वोपरि है, इसी प्रकार शत्रु को नष्ट कर डालने के लिए ये ब्रह्मास्त्र रूप जो अस्त्र है वो सबसे श्रेष्ठ है। अश्वत्थामा ने छोड़ दिया। अब तो महाराज उसको देख करके अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और दोनों जब आसमान में लड़ने लगे, बड़ा व्याकुल हो गया था अर्जुन, क्या करें क्या करें। कृष्ण ने कहा छोड़ दे ब्रह्मास्त्र। जब महाराज दोनों शस्त्र आपस में भिड़े तो प्रलय का समय उपस्थित हो गया। श्री कृष्ण ने हंस के कहा कि अर्जुन, अश्वत्थामा को ये अस्त्र छोड़ना तो आता है पर लौटाना नहीं आता है, और तुझे तो लौटाना भी आता है सो तू लौटा ले। अब तो दोनों का ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने लौटा लिया।
लौटा लिया और जाके अश्वत्थामा को पकड़ा और पकड़ के बांध के द्रौपदी के सामने ले आया। श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो आतताई है, सोते हुए बच्चों को मारा है, इसलिए ये ब्राह्मण है तो क्या, इसको मार डालो। यहाँ ध्यान देने लायक बात है ये है, एक द्रौपदी एक स्त्री है, भगवान की भक्त है। असल में यहाँ द्रौपदी का चरित्र वर्णन करना नहीं है, वर्णन करना है परीक्षित का चरित्र। और परीक्षित के पिता थे नारायण अभिमन्यु, नारायण परीक्षित के पिता थे अभिमन्यु। अभिमन्यु के जो पूर्वज थे, जैसे ये परीक्षित के पिता अभिमन्यु, वो कितने भक्त थे, उनकी पत्नी उत्तरा कितनी भक्त थी, और अभिमन्यु के पिता अर्जुन भगवान के कितने भक्त थे, और नारायण युधिष्ठिर कितने भक्त थे, भीष्म पितामह कितने भक्त थे, और इधर उत्तरा है और सुभद्रा है और कुंती हैं, ये कितने भक्त हैं। तो ऐसे भक्त परिवार में राजा परीक्षित पैदा हुए थे, तो वंश से भी उत्तम है परीक्षित, भागवत सुनने के योग्य, और भक्ति से भी उत्तम है और त्याग से भी उत्तम है, और उनके मन में मौत का तो कोई डर ही नहीं है, मौत से बचने के लिए भागवत नहीं सुनते हैं। इसलिए यहाँ द्रौपदी के चरित्र का वर्णन किया कि कितनी उत्तम कोटि की ये माता थी। जब अश्वत्थामा को बांध करके अर्जुन ले आए और भीमसेन ने कहा कि इसको तो मार डालना चाहिए, श्री कृष्ण ने भी कहा कि मार डालना चाहिए, लेकिन और अर्जुन भी मारने को तैयार थे, लेकिन द्रौपदी ने तुरंत देखा कि अश्वत्थामा बंधे हुए हैं, तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया, नमस्कार भाई, तुम्हें मैं सिर झुकाती हूँ, तुम तो हमारे गुरु जी के बेटे हो, ब्राह्मण हो, और अर्जुन से कहा कि छोड़ दो इसको, मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरुः। ये है भक्त का हृदय, भक्त का हृदय ये है कि अपने पांच पांच बेटा मारने वाला सामने खड़ा है और उसका पति उसको मार डालने के लिए तैयार है, भीमसेन ललकार रहे हैं, श्री कृष्ण की अनुमति है, परंतु द्रौपदी ने कहा कि ये बात नहीं नारायण, हमारे देखते देखते ये हमारे गुरु का बेटा मारा नहीं जाएगा, क्योंकि हमें अपने बेटों के मरने का जैसा दुख है वैसा ही दुख इसकी माँ को भी तो होगा ना, तो मैं तो दुखी हूँ सो हूँ ही, इसकी माँ को कृपी को दुखी करना उचित नहीं है। सो उसने प्रणाम किया और कहा कि छोड़ दो। अब युधिष्ठिर जो हैं का वो द्रौपदी के पक्ष में हो गए, और अर्जुन की समझ में भी बात आ गई कि देखो द्रौपदी चाहती है कि ब्राह्मण की हत्या ना हो, नहीं तो वंश को बड़ा दोष लगेगा, और दूसरे इसके हृदय में कितनी करुणा है, न्याज्यम धर्म्यम न्याज्यम सकरुणम निर्व्यधिकम समम महत, बोलना कैसा, कब बोलना ऐसा जिसमें न्याय हो, धर्म के अनुकूल हो, करुणा उसमें भरी हुई हो, समता उसमें होए और उदारता उसमें होए, ऐसा वचन द्रौपदी ने कहा। अब तो राजा युधिष्ठिर ने कहा कि भाई जो द्रौपदी कहती है सोई ठीक है, वही उचित है, ब्राह्मण को मारना उचित नहीं है। अब तो भीमसेन मारने को तैयार हुए और द्रौपदी छुड़ाने को तैयार हुई, वहां झगड़ा ही दूसरे ढंग का आ गया। सो श्री कृष्ण भगवान चतुर्भुज बन गए, और चतुर्भुज बन के दो हाथ से तो उन्होंने भीमसेन को पकड़ा और दो हाथ से द्रौपदी को पकड़ा। अब श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही दोनों को अपना आपा तो भूल गया और अश्वत्थामा छूट गया। फिर श्री कृष्ण ने इशारा किया कि इसके सिर में जो मणि बंधा हुआ है उसको तुम तलवार से निकाल लो। सो अर्जुन ने वो मणि निकाल लिया और उसको वहाँ अपने शिविर से बिल्कुल निकाल दिया। तो इस तरह की दादी समझो कि राजा परीक्षित की थी, जो भगवान की परम भक्त थी। अब
उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जाने को तैयार हुए, जाने को तैयार हुए। अभी एक स्त्री इसमें सुभद्रा ऐसी है कि सुभद्रा है श्री कृष्ण की बहन, और वो तो श्री कृष्ण की शक्ति है। असल में माया रूप परम शक्ति रूपा सुभद्रा है, क्योंकि हम देखते हैं जगन्नाथपुरी में बलराम और श्री कृष्ण के बीच में एक ओर श्री कृष्ण है तुरीय ब्रह्म के रूप, और दूसरी ओर शक्ति शक्ति के मालिक बलराम जी हैं, और बीच में महामाया सुभद्रा है। वहाँ सुभद्रा का स्थान भी अलग बना हुआ है और सुभद्रा दोनों के बीच में रहती है। तो सुभद्रा